अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्टिचिंग विद आयशा के साथ मैं हूं आपके साथ आयशा। आज की मेरी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी पिलू कवर बनाना, यानी कि जो हमारा तकिए का कवर होता है। उसके लिए सबसे पहले जो है वो मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूं। ये जो पिलू है ये बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, नॉर्मल जिस तरीके से हम बेड के ऊपर जो है वो रखने के लिए यूज़ करते हैं या अपने सोने के लिए यूज़ करते हैं, ये वो वाला तकिए का मेजरमेंट है। ये मेरा कपड़ा है, इसकी जो लंबाई है वो मेरे पास है 26 inches, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है वो है मेरे पास 18 inches। ये मेरे पास इसी साइज़ के दो टुकड़े हैं, ठीक है। इसको मैंने कटिंग किया हुआ है, ये हमारा तकिया है। और इसके अलावा जो है मेरे पास ये वाला कपड़ा है, ये भी मेरे पास इसकी लंबाई जो है वो 18 inches है इस कपड़े की, और इसकी जो चौड़ाई है वो मेरे पास ऑलमोस्ट है 7 inches, 6 to 7 inches है ये, ठीक है। ये हमारा फोल्डिंग के लिए कपड़ा है, अंदर की तरफ जो है हम इसको, मैंने आपको बताया था फोल्डिंग में लगाएंगे, तो इसको जो है इस तरफ से सिलाई आएगी और इस तरफ से जो है हम इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो आप अपने हिसाब से रखें, अगर आपको ज़्यादा यहाँ पे फोल्डिंग चाहिए तो आप 1 inch एक्स्ट्रा रख लें, वरना 1/2 inch भी काफ़ी होगा अगर आपको बारीक इसकी जो है वो फोल्डिंग करनी है। इसके अलावा मेरे पास ये कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसकी मैंने बिल्कुल स्ट्रेट एक पट्टी ली हुई है, ये देखें, ये तकरीबन जो है वो मेरे पास 3.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ऑलमोस्ट जो है 4 inches है। मैंने इसको डबल किया है, डबल करने के बाद जो है वो मैंने इसको सही से आयरन कर लिया है, और ये काफ़ी बड़ा मेरे पास जो है वो इसकी पूरी स्ट्रेट पट्टी है, क्योंकि मुझे इसकी जो है फ्रिल बनानी है। सबसे पहले जो है वो हम अपने कपड़े की फ्रिल बनाएंगे। देखें व्यूअर्स, अभी आपके सामने जो है वो मैंने अपनी फ्रिल जो है वो तैयार की है। ये पूरी जो है वो एक ही तरह से बनी हुई है, ठीक है। इसमें कोई ऐसी खास ट्रिक नहीं है, ये बस आप अंदाजे से ही मैंने आपके सामने जो है वो अपनी फ्रिल बनाई है, और ये पूरी पट्टी जो है ये मैंने बिल्कुल तैयार कर ली है। अब इसके बाद जो है मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैंने अपने पिलू कवर के जो दो साइड जो है अभी कटिंग आपको दिखाई थी, इनमें से मैं एक साइड ले लेती हूँ, ठीक है। एक साइड लेने के बाद जो मेरे पिलू कवर का राइट साइड है, यहाँ से ये ऊपर वाला जो मुंह का हिस्सा है जहाँ से तकिया हम इंटर करेंगे, ये वाला जो है वो हिस्सा हम छोड़ेंगे। उसके अलावा बाकी तीनों साइड जो है वो हमारी, उनके ऊपर जो है हम ये अपनी फ्रिल जो है वो अटैच करेंगे। फ्रिल हम लगाने का तरीका ये है कि ये मेरी सीधी साइड है, और इसके ऊपर अंदर की तरफ रख के हम जो है वो यहाँ पर फ्रिल रख के यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, इस तरह से बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ, ठीक है। अंदर की तरफ तकिए के हम फ्रिल को इस तरह रखेंगे, और पूरे जो है वो तीनों साइड्स पे मैं बिल्कुल इस तरह जो है वो सही लगाती हूँ। अभी आपके सामने लगाती हूँ, आप भी देखो। देखें व्यूअर्स, फ्रिल जो है वो मैंने अटैच कर ली है। चौड़ाई की तरफ जो मेरी एक साइड थी इसको छोड़ के बाकी मेरे जो पिलू के तीनों साइड हैं इनके ऊपर जो है वो मैंने फ्रिल को अटैच कर लिया है। फ्रिल पे जो है वो सही लगाते हुए आप ये ध्यान रखिएगा कि जो सिलाई आपने फ्रिल को बनाते हुए लगाई थी उसके ऊपर ही जो है वो आपके जो है वो सिलाई गया है। अगर इस तरफ आएगी, ठीक है, इस तरफ आएगी तो जब हम हमारा तकिया जो है पूरा बन जाएगा तो उस फ्रिल की तरफ से जो है वो सिलाई बाहर की तरफ नज़र आएगी। तो फ्रिल की सिलाई के ऊपर ही आप सिलाई दें, ये देखें, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप ये है कि अभी ये जो एक साइड जिसको मैंने बिना फ्रिल के छोड़ा है इसको जो है वो मैं यहाँ से फोल्ड करूँगी, बारीक फोल्ड करूँगी, ठीक है, ऐसे इस वाली साइड को। और ये जो मैंने
कपड़ा रखा था अंदर फोल्डिंग लगाने के लिए, इसकी भी एक साइड पे जो है वो मैं इसको इसी तरह से बारीक जो है उसको फोल्ड करूंगी। ये देखिए व्यूअर्स, सिलाई जो है वो मैंने फोल्ड करके जो है वो कपड़ा लगा दी है। इसके अलावा ये जो मेरी फ्रिल थी, इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो मैंने ऊपर की तरफ थोड़ा सा भी बढ़ा के छोड़ा है, इसको जो है अभी मैंने फोल्ड नहीं किया है। दोनों तरफ से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो छोड़ा है। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि जो फोल्डिंग वाला हमारा कपड़ा है इसको जो है वो मैं सिलाई लगाऊंगी। सिलाई मैंने इसको लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद मैंने इसको जो हमारे तकिए का दूसरी वाली साइड थी उसके साथ मैंने रख के इसको जो है वो अटैच कर लिया है। ये देखें, हाफ हाफ इंच की मैंने इसको, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें, सीधी साइड जो है वो मेरे कवर की है, ठीक है। उसके ऊपर सीधा हम रखेंगे ये हमारा फोल्डिंग वाला कपड़ा, और उसके ऊपर जो है वो मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद कपड़े का जो झुकाव है वो इस तरफ करके यहाँ पे जो है वो मैं एक एक पैर की यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी ताकि जो हमारा कपड़ा बिल्कुल स्ट्रेट आ जाए। ये देखें, आपको थोड़ा सा कवर इस तरह फोल्ड होता हुआ लग रहा है, तो यहाँ पे हम एक पैर की जब सिलाई लगाएंगे तो कपड़ा हमारा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। ये सिलाई लगाने के बाद फिर हम जो है ये हमारा जो फ्रिल वाला है हिस्सा इसको लेंगे, ठीक है। लेने के बाद सीधी साइड है मेरे इस कवर की, और ये वाला जो कपड़ा है इसको मैं इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके, ये देखें, ठीक है, बैक साइड की तरफ, ये उल्टी साइड है मेरे कवर की, या इस तरफ जो है वो मैं फोल्ड करूंगी। इसको फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पे इसको रख के सीधे के ऊपर सीधा रख के जो है वो मैं इसको सिलाई लगाऊंगी पूरे तीनों तरफ पे। सिलाई लगाते हुए आपने ये ध्यान रखना है, ये देखें, ये वाली जो साइड है हमारी फोल्डिंग वाली, ये इस तरफ उल्टी साइड की तरफ जाएगी, ठीक है। और ये वाला जो मेरा तकिया है, तकिए का ये वाला जो हिस्सा है, इसको मैं यहाँ से रख के अटैच करूँगी। बीच में जो है फ्रिल का कपड़ा आया हुआ है, इसलिए आपको जो है वो हो सकता है सही से अंदाज़ा ना हो। ये देखें, यहाँ से मेरा स्टार्ट हो रहा है तकिए का ये वाला हिस्सा, तो मैं इसको इस हिस्से के ऊपर रख के इस तरीके से, ये देखें, ये जो हमारा फ्रिल का कपड़ा था एक्स्ट्रा, वो बाहर की तरफ आएगा। मैं इसको यहाँ से सिलाई लगाऊंगी, ठीक है, यहाँ से सिलाई स्टार्ट करूँगी और घुमा के पूरा दूसरी साइड पर ला के इसको सिलाई को ख़त्म कर दूँगी। देखिए व्यूअर्स, तीनों तरफ जो है सिलाई लगाने के बाद मैंने अपने जो कवर था मेरा, इसको मैंने सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद ये देखें, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था जो मेरे फ्रिल का मैंने छोड़ा हुआ था, इसको जो है वो मैंने एक साइड पे ना फोल्ड करके इसको सिलाई लगा दी है। अब सिलाई लगाने के बाद ये देखें, यहाँ से थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा जो है वो फैब्रिक आपको नज़र आ रहा है। ये मैं अंदर की तरफ करके इसको ऐसे, और बाहर की तरफ हमारी फ्रिल जो मैंने लगाई है, यहाँ पर मैं एक एक पैर की पूरे अपने तकिए पर पूरा घुमा के ला के यहाँ पे सिलाई दूंगी। इस साइड से शुरू करूंगी और इस साइड पर ख़त्म करते हुए ये वाला जो मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक था जो हल्का सा नज़र आ रहा है, ये मैं बाहर की तरफ इसको, अंदर की तरफ इसको जो है वो फोल्ड कर दूंगी। ये देखिए व्यूअर्स, फाइनल सिलाई जो है वो मैंने अपनी लगा ली है। एक एक पैर पे जो है मैंने इसको सिलाई लगाई है। जब आप
फ्रिल की जो अंदर की सिलाई लगाने के बाद आप उसको सीधा करेंगे, तो उसके बाद आप इसको प्रेस कर लीजिएगा अच्छे से। मैंने इसको बिल्कुल जमा के प्रेस किया था। प्रेस करने के बाद जो है वो मैंने इसको ये वाली जो है वो सिलाई लगाई है। मेरा जो पिलो कवर है वो बिल्कुल बन के देखें तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। एक और ज़रूरी बात कि आपके कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अपने कमेंट करके जो है मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।